स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और हार्ट होता है. तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज दैट सर्कुलेशन. सर्कुलेशन मतलब ब्लड का पासेज होना, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेट होना, दैट इज नोन एज सर्कुलेशन. सर्कुलेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन. सिंगल सर्कुलेशन क्लास नाम ही इंडिकेट कर रहा है, सिंगल मतलब एक बार, यानी वो सर्कुलेशन जिसमें ब्लड का ब्लड पास तो हो रहा है आपके हार्ट से, पर सिर्फ और सिर्फ कितनी बार, एक बार. अगर हार्ट से ब्लड पूरे सर्कुलेशन के टाइम पर सिर्फ एक बार पास हो, उसे क्या कहेंगे, सिंगल सर्कुलेशन. बट अगर वही हार्ट, अगर हमारा जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से दो बार पास हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं. तो सिंगल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल, सिंगल सर्कुलेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, फिशेस के अंदर. और डबल्स, तो सबसे पहले हम लोग बात ही करते हैं हम सिंगल सर्कुलेशन की, जो किस में मिलता है हमें, फिशेस में. तो फिशेस में कैसे होता है कि आप लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि सबसे पहले जब फिशेस जब सांस लेती है, ब्रीदिंग करती है, रेस्पिरेशन करती है, तो उनकी ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पर आ जाती है, उनके गिल्स तक. फिर वो ऑक्सीजन वाला ब्लड का कैसा हो जाता है, वो ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सी ब्लड. फिर वो ऑक्सी ब्लड उनके किसके पास चला जाता है, बॉडी के पास. फिर वो बॉडी उसकी क्या करेगी, वो बॉडी उससे ऑक्सीजन ले लेगी और ब्लड कैसा हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है. अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा, फिशेज के हार्ट के पास. और फिर वो हार्ट ब्लड किसको पास ऑन कर देगा, गिल्स को. देखो क्लास, इस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, हार्ट से सिर्फ एक बार ब्लड पास हुआ है, वो भी कौन से वाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हुआ है. तो इसीलिए इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन. गिल्स के पास ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ब्लड के पास गई, ऑक्सी ब्लड बना, बॉडी के पास गया, बॉडी ने ऑक्सीजन रख ली, कैसा ब्लड बन गया, डीऑक्सी. किसके पास गया, हार्ट के पास गया, हार्ट ने किसको दे दिया, गिल्स को, कि ऑक्सीजनेशन के लिए. डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इसमें सेम ब्लड, जैसे यहाँ पे ब्लड सिर्फ एक बार पास हुआ, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर डबल सर्कुलेशन में ब्लड कितनी बार पास होगा, टू टाइम्स पास होगा, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार कैसा ब्लड पास होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि डबल सर्कुलेशन किस में होता है, डबल सर्कुलेशन अकर्स इन द एव्स एंड मैमल्स, यानी बर्ड्स में एंड ह्यूमन बींग्स में होता है. एव्स एंड मैमल्स यानी किस में होता है, बर्ड्स और ह्यूमन्स में होता है. तो कैसे होता है, सबसे पहले लंग्स के पास से, फिशेज के पास गिल्स थी ऑक्सीजन लाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और हमारे पास ब्रीदिंग के लिए क्या होती है, लंग्स होती है. तो हमारी ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सी ब्लड को कौन लेकर आता है, पल्मोनरी वेन. देखिए क्लास, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, वैसे ऑक्सी ब्लड को कैरी करने का काम किसका होता है, आर्टरी का, पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कौन, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सी, और पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सी ब्लड कैरी करती है. तो सबसे पहले लंग्स से कौन लेकर आएगी, पल्मोनरी वेन, कहाँ पर लेके आएगी, लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल से वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा, जो ऑर्टा है दैट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, वो कहाँ लेकर जाएगी, आपके बॉडी के पास. बॉडी ऑक्सीजन लेगी और फिर उसमें CO2 रिलीज़ कर देगी आपके ब्लड में, और फिर आपके ब्लड को, जो डीऑक्सी ब्लड, अब ब्लड कैसा बन चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से राइट साइड ऑफ हार्ट में लेकर जाया जाता है. और कौन लेकर जाती है, लार्जेस्ट वेन दैट इज़ वेना कावा, लार्जेस्ट आर्टरी
एंड वेना कावा इज लार्जेस्ट वेन. फिर राइट साइड में राइट ऑरिकल में राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल देन राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी होती है वो वापस डीऑक्सी ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ पर ले जाती है आपकी लंग्स के पास. तो इस तरह से एक बार लेफ्ट साइड से पूरा ऑक्सी ब्लड और एक तरफ एक बार पूरे राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पास होता है. इसीलिए सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, डबल सर्क्यूलेशन. क्लास अब ये हो क्या, कल अगर हम लोग बात कर रहे थे किसकी, फिशेस एम्फीबिया रेप्टाइल एव्स और मैमल. दिस इज अ फाइलम कॉर्डेटा. तो इसमें आती है फिशेस एम्फीबिया रेप्टाइल एव्स और मैमल. फिशेस के पास हो गया टू चैम्बर्ड हार्ट और सिंगल सर्कुलेशन. बर्ड्स और मैमल्स के पास क्या हो गया, फोर चैम्बर हार्ट और डबल सर्कुलेशन. बच गए एम्फीबिया और रेप्टाइल, इनके पास क्या होगा, इनके पास तो सिर्फ थ्री चैम्बर हार्ट है तो डबल सर्कुलेशन तो इस तरह से हो ही नहीं सकता है. तो इनमें के पास क्या होता है क्लास, इनके पास ओरिकल्स तो दो होते हैं पर वेंट्रिकल क्या होता है, सिंगल वेंट्रिकल होता है विद द टू ओरिकल्स. दो ओरिकल्स के बाद इनके पास क्या होता है, एक सिंगल वेंट्रिकल होता है. तो अगर लेफ्ट साइड में हर्ट ब्लड आता है तो वो इधर वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के पास जाता है और बॉडी से फिर जाता है. पर यहाँ वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कुछ अमाउंट में मिक्सिंग हो जाती है, जिस तरह से यहाँ पे कम्प्लीटली सेपरेट था जिसकी वजह से मिक्सिंग नहीं हो पा रही थी, पर यहाँ पे क्या होती है, दोनों ब्लड की पार्शियल मिक्सिंग होती है. तो इनके अंदर क्या बोला जाता है, यहाँ पर कैसा होता है, इनकम्प्लीट. यहाँ पर क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्क्यूलेशन. तो क्लास ये था आपका सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन. नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन इन क्लास, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत जगह और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डबल सर्कुलेशन क्या की इम्पॉर्टेंस क्या है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ये ज़्यादा बेटर क्यों है, ज़्यादा एफिशिएंट पाथवे क्यों है. तो देखो क्लास, आप लोगों ने पहले से ही देखा कि इसमें क्या होता है, सारे के सारे चैम्बर्स अलग हैं, मतलब ना ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, तो मिक्सिंग नहीं होती. तो आपकी बॉडी को जो भी ब्लड जाकर मिलेगा आपकी बॉडी को, वो पूरा का पूरा कैसा होता है, 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है. तो फिर तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी वजह से हमारी बॉडी को 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है. और आप लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि अगर हमारी बॉडी को जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. और तो इसीलिए डबल सर्कुलेशन का दूसरा फायदा क्या है, इससे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिल जाती है. देखिए तो अब एव्स और मैमल्स में ही क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यही दोनों ही क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ वार्म ब्लडेड हैं. बाकी फिशेस और रेप्टाइल्स दोनों, फिशेस रेप्टाइल्स और एम्फीबियन तीनों क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं. कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट होता रहता है, कोई फिक्स बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है. तो उन्हें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं करना पड़ता, तो एनर्जी चाहिए ही नहीं ज़्यादा, पर इन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है. इसीलिए इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. डैट्स वाई एव्स और मैमल्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, विच इज़ अ बेटर मोड ऑफ सर्कुलेशन एज कम्पेयर टू सिंगल सर्कुलेशन. तो क्लास आफ्टर डिस्कसिंग द ब्लड वास्कुलर सिस्टम, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिम्फैटिक सिस्टम, जो मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में ही बता दिया था, जिसमें क्या होता है, ब्लड की जगह पर लिम्फ होता है. तो क्लास लिम्फ क्या होता है, इट इज़ द सेकेंड ट्रांसपोर्ट फ्लूड ऑफ द बॉडी. जैसे ब्लड इज द फर्स्ट ट्रांसपोर्ट फ्लूड और सेकेंड ट्रांसपोर्ट फ्लूड क्या होता है, हमारा
लिम्फ होता है। लिम्फ कहाँ से बनता है? लिम्फ हमारे जो टिश्यूज होते हैं, जैसे जो सेल के ग्रुप से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू से कुछ फ्लूड एक्सट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ से कुछ फ्लूड लीक आउट हो जाता है। टिश्यू से कुछ फ्लूड क्या होता है, लीक आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सपोज ये था ग्रुप ऑफ सेल्स जिन्होंने टिश्यू बनाया था, तो यहाँ से क्या होता है, कुछ फ्लूड एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है, और उस एक्सट्रैक्टिंग फ्लूड को ही हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। अब देखो क्लास, और इसमें से इसमें और क्या होता है, साथ में टिश्यू फ्लूड के साथ साथ में कुछ ब्लड, टिश्यू के पास किसकी सप्लाई जाने वाली है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के, तो यहाँ से भी कुछ अमाउंट में लिक्विड एक्सट्रैक्ट आउट होता है, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, आपका लिम्फ बनता है। लिम्फ के पास, जैसे ब्लड के पास क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, पर यहाँ लिम्फ के पास आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, इसीलिए लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है। ब्लड के पास आरबीसी होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ रेड इन कलर, बट लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है, क्योंकि इसके पास आरबीसी नहीं है, ना ही प्लेटलेट्स होती है, बची क्या, डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है, और यहाँ जो डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फ वाली डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का काम ही क्या है, जर्म्स को किल करना, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, तो लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड अस द इम्यूनिटी। क्लास, बेसिक फंक्शन लिम्फैटिक सिस्टम का, एक्चुअली लिम्फैटिक सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, तो देखो मैंने बोला जैसे कि ब्लड वेसल्स थी सपोज ये, और ये हमारा पूरा का पूरा कोई टिश्यू था, जिसको क्या करना है, इसे आपको, इसे ऑक्सीजन देनी है, बदले में इसे क्या करना है, CO2 देना है मान लो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो फ्लूड प्रेजेंट होता है, ये जो फ्लूड प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ क्या करता है, पहले ब्लड से ऑक्सीजन किसके पास जाएगी, लिम्फ के पास, और फिर लिम्फ किसको देगा, बॉडी को देगा। इसी तरह से बॉडी से जो भी कुछ, सेल से कुछ भी निकलेगा, वो पहले किसके पास जाएगा, लिम्फ के पास, और लिम्फ किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। तो ये इन दोनों के बीच में किसका काम करता है, बीच का काम करता है, कि ब्लड वेसल से चीज़ें लेकर उसको देकर आ रहा है, और इससे कोई चीज़ लेकर यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। तो हम देखते हैं लिम्फ के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये हमारे ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन करता है, और सबसे मेन फंक्शन, इट एक्ट एज अ मिडल मैन। मिडल मैन मतलब अभी बताया ना, दोनों के बीच में, टिश्यू के बीच में और ब्लड के बीच में कोई भी सामान को कैरी करने का काम कर रहा है, तो दिस इज एक्ट एज द मिडल मैन। लिम्फोसाइट बताया क्या है, WBC ही है, तो क्या करती हैं, जर्म्स को किल करती हैं। लिम्फ वेसल, जैसे ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स हैं, ऐसे लिम्फ के लिए क्या है, लिम्फ वेसल। और हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करती हैं, यानी जितना भी बाकी सारी चीज़ें थी वो किसने की थी, विलाई से ब्लड वेसल्स ने कर ली थी, विलाई से ब्लड वेसल्स ने सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया था, पर फैट को किसने किया था, लिम्फ वेसल, जिसे लैक्टील बोला था। तो लिम्फ वेसल किस में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए। सो ये था आज हमारा पूरा, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फैटिक सिस्टम सब कुछ कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।